हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हो। मैंने पिछले हफ्ते ही बाल काटा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और रही बात वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं, तो मैं रत्नागिरी जा रहा हूँ अपने काका के साथ, पर्ल पार्क के साथ, उन लोगों के साथ। आई और दीदी नहीं आ पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी, उस वजह से हम चार लोग ही जा रहे हैं और चार पांच दिन के लिए जा रहे हैं। और चार पांच दिन के बाद हम वापस रिटर्न ठाणे आ जाएंगे। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी बताना चाहता कि वहां पे जाने के बाद हम शायद थोड़ा बहुत यहाँ वहां घूमने वाले। मुझे काका ने तो प्रॉमिस किया कि वो यहाँ वहां घुमाएंगे, पर देखते हैं वहां पे उनका जैसा काम खत्म होगा तब वो घुमाने लेके जाएंगे। तो अगर घुमाना हुआ तो व्लॉग्स भी बहुत बड़े होंगे, उस वजह से मैं व्लॉग्स को पार्ट्स के हिसाब से डालूंगा, डेज के हिसाब से नहीं। कि एक डे का ही शायद वीडियो 20 मिनट 25 मिनट ऐसा हो जाएगा, उस वजह से मैं पार्ट्स में व्लॉग डालूंगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसा। और एक पार्ट 10 मिनट करेगा, दूसरा पार्ट 10 मिनट करेगा। और मेरे व्लॉग्स एज यूजुअल सब संडे को ही आएंगे, इसलिए पार्ट वन एक संडे को आएगा, पार्ट टू दूसरे संडे को आएगा, पार्ट थ्री तीसरे संडे को आएगा। तो यहाँ पे सब कपड़े है, ये एक ही बैग लेके जाने वाले क्योंकि चार दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग। इतने सारे कपड़े लेके जा रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहे। और थोड़ा दाढ़ी भी करना, थोड़ा मतलब ट्रिम करना रहा पूरा, ये लुक भी अच्छा नहीं दिखता ऐसा पूरा दाढ़ी में। मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ। अभी फिलहाल तो 10 बजे और 11 बजे की ट्रेन है। वहाँ पे रत्नागिरी में हम लोग 3:30-4 बजे तक पहुँचेंगे। ट्रेन अगर लेट हुआ तो शायद 5 भी बज जाएंगे, पता नहीं। पर अभी तो फिलहाल मैं तैयार हूँ और हम लोग अभी निकल। और दिस इज द नेक्स्ट डे और हम लोग यहाँ पे भाटे बीच पे आए हैं। पार्थ मेरे साथ पर्ल को घर पे छोड़ के आए है ना, और भाटे बीच पे आए हम लोग सुबह सुबह। वहाँ पे आज कुछ तो है इसलिए इतनी गर्दी है। हाँ बोल। सुबह के 7:30 बज गए और हम लोग इतना सुबह सुबह यहाँ पे आए। पूरा रास्ता ठंडी लग रही थी। हाँ पर अभी ये व्यू देख के तो पूरा ठंडी मिट गया। यहाँ पे सन भी आया है सुबह सुबह और हम लोग ऐसे ही पूरे बीच पे घूम रहे हैं। Thank you.
अरे तो काहीतरी आहे. अरे घाबर. ए पर तिकडे काहीतरी आहे.